सूर्य का अवलोकन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? सौरमंडल, सोलर पार्कर या गगनयान या आदित्य 11। सूर्य का अवलोकन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम है आदित्य 11। आदित्य 11 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करेंगे। यह भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य से संबंधित मिशन है जो भारत को सूर्य से संबंधित जानकारी देगा। आदित्य 11 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 11 का अर्थ है लैग्रेंज पॉइंट 1। इसका आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहाँ दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। पॉइंट 1 पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशेष स्थिति के कारण ग्रहण की बाधा से सुरक्षित होता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है जिसको इसरो कहा जाता है। इसरो के द्वारा ही भारत का सूर्य मिशन आदित्य 11 लॉन्च किया जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब मिशन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सौर मिशन है। आदित्य 11 सूर्य के कोरोना प्रभाव तथा उसके कोरोना के बारे में और सौर हवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? भारत में बजट लाने के पहले पिछले वर्ष के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है और यह आर्थिक सर्वेक्षण 2023 भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के प्रदर्शन की व्याख्या करती है। यह सर्वेक्षण महंगाई दर पर विचार करता है, देश के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि बुनियादी ढांचा और विदेशी मुद्रा भंडार की भी जानकारी देता है। सरकार के सामने भविष्य की आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में जारी किया गया था। केंद्रीय बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। भारत में बजट लाने के पहले आर्थिक सर्वेक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि यह पिछले वर्ष में भारत में जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हुई हैं उनके बारे में भारत को अवगत कराता है, जिसके आधार पर बजट में विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं तथा आगे के आने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में महत्वपूर्ण नीतियां भी बनाई जाती हैं। हाल ही में चर्चा में रहे अटल पेंशन योजना ने कितने नामांकन का आंकड़ा पार किया है? 2 करोड़ या 3 करोड़, ऑप्शन सी है 4 करोड़, ऑप्शन डी है 5 करोड़। हाल ही में चर्चा में रहे अटल पेंशन योजना के द्वारा भारत में 5 करोड़ का नामांकन प्राप्त किया गया है। अटल पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरुआत किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत में अटल पेंशन योजना का नामांकन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा कराया गया है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इसको विनियमित करेगा। अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं, यानी कि पहले से जो व्यक्ति किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा का सदस्य है तो वह इसमें भाग नहीं ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, उसके पास बैंक खाता है, वह इस योजना के लिए पात्र है। वह अटल पेंशन योजना जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसमें भाग ले सकता है, लेकिन उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष के पश्चात 1 से 5 हज़ार तक की पेंशन प्रदान की जाती है जो कि उसकी आय की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित यह उपवर्गीकरण का एक आयोग है जो दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश जी रोहड़ी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को शिक्षा और रोजगार में 27% का आरक्षण दिया गया था। ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस उपवर्गीकरण आयोग का गठन किया गया है। ओबीसी के उपवर्गीकरण आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति जो कि दिल्ली के मुख्य न्यायमूर्ति हैं जी रोहिणी करेंगे। वर्तमान में अन्य पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं रोजगार में 27% का आरक्षण है।
उपवर्गीकरण की आवश्यकता बच्चों इसलिए हुई है क्योंकि अधिकांश जो 27% आरक्षित सीटें हैं जो कि शिक्षा और रोजगार में दी जाती हैं उन पर कुछ ही समुदायों का कब्जा हो गया है, इसलिए ओबीसी के आरक्षण का उपवर्गीकरण बहुत आवश्यक हो जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा किया है, यानी कि वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल के द्वारा बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया गया है। सिंधु जल संधि किन दो देशों के मध्य नदी जल बंटवारे का एक समझौता है। सिंधु जो कि 6 नदियों का एक नदी तंत्र है, वह भारत में भारत तथा पाकिस्तान के बीच इस नदी का जल बंटवारे का एक संधि समझौता है जिसको सिंधु जल संधि समझौता कहते हैं। 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह संधि विश्व बैंक की वार्ता पर हुई, यानी कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता किया था। हाल ही में भारत ने संधि में संशोधन का नोटिस पाकिस्तान को भेजा है। सिंधु जल संधि के अनुसार व्यास नदी, रावी और सतलज नदी का पानी भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह सभी नदियाँ सिंधु जल प्रणाली बनाती हैं। हाल ही में आपने कई बार देखा होगा कि इन नदियों पर जब बांध बनाया जाता है तो किसी एक देश के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की जो नदियां हैं, जो पाकिस्तान की नदियां हैं, उनके नियंत्रण से संबंधित समझौता किया गया था और पानी की कमी को देखते हुए कई बार उन प्रोजेक्ट का विरोध होता है। हाल ही में चर्चा में रही हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट भारत के किस बिजनेस फर्म पर जारी की गई। यह हिंडनबर्ग जो रिसर्च रिपोर्ट थी भारत के न्यूज़ चैनल तथा भारत में कई महीनों तक छाई रही और यह मुख्य तौर पर अडानी समूह के ऊपर आधारित थी और इस यह हिंडनबर्ग अमेरिका की एक वित्तीय शोध कंपनी है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। 1948 में इस दिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इस वजह से 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किसानों की फसल जब बर्बाद हो गई थी लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उच्च कर वसूली किया, उसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह लाया गया। नमक पर कर के विरोध में दांडी यात्रा जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में प्रारंभ किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस किसके संबंध में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही उत्तर है। 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस यहूदी नरसंहार जो कि जर्मनी में नाजीवाद के द्वारा किया गया था उसके सम्मान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट दिवस यहूदी नरसंहार, जर्मनी में 6 मिलियन मारे गए यहूदियों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। 1933 और 45 के दौरान नाजी जर्मनी के द्वारा 1/3 लगभग यहूदी और अन्य अल्पसंख्यकों के अनगिनत सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। 27 जनवरी को रेड आर्मी ने 1945 में ऑसविट्ज उत्पीड़न शिविर को मुक्त कराया, इसलिए 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट दिवस मनाया जाता है। चर्चा में रहे भारत के रतले पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? हाल ही में भारत का जो रतले पावर प्रोजेक्ट है जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है वह पाकिस्तान के विरोध के कारण चर्चा में था और यह चिनाब नदी पर बना हुआ है। सरकार के जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन लाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है हर घर नल जल, यानी हर घर को नल के द्वारा जल प्रदान किया जाएगा।
जल जीवन मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था और अब तक 11 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। मिशन का उद्देश्य है 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो फंड का शेयरिंग है उसमें हिमालयी तथा उत्तर पूर्वी के जो राज्य हैं उसमें 90% धन केंद्र के द्वारा दिया जाएगा, 10% राज्यों के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्त सहायता मिलेगी, 50-50% अन्य राज्यों को। गोवा और तेलंगाना तथा हरियाणा राज्य ने 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मतदाताओं को मतदान के बारे में जागरूकता प्रदान करना। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि जनता प्रतिनिधियों को चुनती है जो कि सरकार बनाते हैं तथा भारत में संसाधनों का उपयोग जनता के लिए करते हैं। इस तरह से भारत में संसदीय सरकार है जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजती है जो विधान का निर्माण करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस नाम से जानते हैं? भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था, उनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस भारत में एक प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन के व्यक्ति थे। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी है शिलांग। ऑप्शन सी सही उत्तर है। शिलांग यानी मेघालय राज्य में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर निर्मित किया जाएगा? अभी हाल ही में यह प्रोजेक्ट चालू हुआ है और भारत में पुणे में 33.1 मीटर का भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। अभी वर्तमान में हावड़ा मैदान जो कि कलकत्ता में है भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है और दिल्ली का हौज खास भारत का दूसरे नंबर का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। चर्चा में रही मैत्री पाइपलाइन परियोजना किन दो देशों के मध्य की परियोजना है? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मैत्री पाइपलाइन परियोजना भारत और बांग्लादेश के मध्य है और यह भारत में कोलकाता से भारत में सिलीगुड़ी से प्रारंभ होकर बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगी। मैत्री पाइपलाइन परियोजना पर 2018 में भारत और बांग्लादेश के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मैत्री पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई है 121.5 किलोमीटर। इस पाइपलाइन की क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इसे भारत सरकार के अनुदान की सहायता से बनाया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कई बार पूछी गई है एग्जाम में जो कि ढाका है। भारत में इस परियोजना यानी जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी उसमें से सिर्फ 2% के लगभग भारत में है और अधिकतर यह बांग्लादेश में बिछाई जाएगी। अगला प्रश्न है, मारेक्स 2023 सैन्य युद्ध किन दो देशों के मध्य हाल ही में संपन्न हुआ है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, अमेरिका और श्रीलंका के मध्य हाल ही में मारेक्स 2023 सैन्य युद्ध जो कि एक नौसेना का अभ्यास है दोनों के मध्य संपन्न हुआ है। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है आपदा राहत की तैयारी और एक स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत को बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है? भारत में ही दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बनाया गया है और उसका नाम है गंगा विलास। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो भारत का दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है गंगा विलास। गंगा विलास क्रूज गंगा नदी में वाराणसी से ब्रह्मपुत्र नदी में डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह लगभग 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा और गंगा विलास जो क्रूज है वो 62 मीटर लंबा है और 12 मीटर इसकी चौड़ाई है। वैश्विक रिवर क्रूज बाजार पिछले वर्षों में 5% की दर से बढ़ा है, यानी कि इसका जो बाजार है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है और यह
उम्मीद है कि 2027 तक क्रूज बाजार में 37% तक पहुंचने की उम्मीद है। एमवी गंगा विलास लगभग 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। हाल ही में चर्चा में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? तो यह बक्सवाहा खदान जो है हाल ही में चर्चा में थी, क्योंकि इसका विरोध किया गया है इस खदान का, और यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। बक्सवाहा खदान मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? सांची के पास है, और सांची के पास लगभग 200 किलोमीटर के पास में जंगलों में स्थित है। मध्य प्रदेश में देश के कुल हीरा संसाधन का 90% हिस्सा पाया जाता है, और यहां पर इस खदान में हीरे का ही खनिज को निकालना था। भारत में आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य हीरा उत्पादक राज्य हैं। बक्सवाहा खदान हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि इसमें बिरला समूह के द्वारा खदन किए जाने पर मानव विस्थापन तथा पर्यावरण क्षति के कारण इसका विरोध किया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार घोटाले के तहत अपनी पद से इस्तीफे की घोषणा किया है? तो वह वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार घोटाले के तहत अपने पद से इस्तीफा दिया है, और इसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह है आईपीएस पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन सी सही उत्तर है, जिनको भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईपीएस अजीत डोवाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला हाल ही में किसको घोषित किया गया है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम, जो कि केरल में है, दक्षिण भारत के एक राज्य में आता है, उसको संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। यानी कि इस जिले में लगभग सभी को संविधान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। वरुण 2023 भारत फ्रांस के बीच में किस सेना का सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, हाल ही में वरुण 2023 जो कि भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सेना का सैन्य अभ्यास है, नौसेना के द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक प्रतिवर्ष कितने मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता हासिल करेगा? भारत में ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा के निर्माण में यह बहुत ही बड़ा मिशन है, जो कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करना है। 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होगा तथा 6 लाख लगभग नौकरियां सृजित की जाएंगी। इसके द्वारा जीवाश्म ईंधन जो कि भारत में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत की जाएगी। हाल ही में इंग्लैंड के ओवल में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत को हराकर जीता है। तो बच्चों, आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।